अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम टीवी का सबसे जबरदस्त ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसके आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनी खेज होंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे दाऊद अली खान को समझ आ जाती है कि ये शिब्रा वही लड़की है जिससे उसका बेटा शामिर प्यार करता है। अब वो शिब्रा के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेगा कि शिब्रा शामिर से दूर हो जाए। दूसरी तरफ जुहैब शिब्रा से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारी सिफारिश शामिर सिकंदर ने की है। क्या तुम जानती हो सुकैना की सिफारिश भी उसी शामिर सिकंदर ने की थी। ये बात सुनने के बाद शिब्रा को गुस्सा आता है और वो कहती है ये कौन सी बात कर रहे हो, शामिर सिकंदर सुकैना की बात कैसे कर सकता है और उसकी सिफारिश कैसे कर सकता है। जिसके जवाब में जुहैब कहता है जे और अम्मी को उठाया था शामिर सिकंदर ने और उसने कहा था मेरा नाम नहीं लेना। उसने अम्मी से कहा कि अगर मैंने सुकैना से शादी ना की तो वह हम दोनों को मार डालेगा। जवाब में शिब्रा कहती है ये कैसे हो सकता है, उसी शामिर सिकंदर ने मेरी जेल से सिफारिश की, मुझे जेल से छुड़वाया, ये सुकैना से ही पता करना होगा। फिर शिब्रा सुकैना से पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हारी सिफारिश शामिर सिकंदर ने क्यों की थी, शामिर सिकंदर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। इसके जवाब में सुकैना लड़खड़ाती हुई जबान में कहती है कि मैं नहीं जानती शामिर सिकंदर को। जुहैब कहता है अगर तुम नहीं जानती तो बताओ उसने तुम्हारा नाम लेकर सिफारिश क्यों की थी और क्यों कहा था कि बताना नहीं और शादी तुम जरूर करो सुकैना से। जिसके बाद शिब्रा कहती है आखिर ये चल क्या रहा है हमारे साथ, कौन है जो हमारी सिफारिश करवाता है शामिर से। जिसके जवाब में जुहैब कहता है तुम आपके घर के भेदी पर नजर रखो, फजल बख्श कौन है। नाज़रीन अब आप कमेंट्स में बताएं कि शिब्रा को क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।